खिलाऊंगी। वसीयत में आधे से ज्यादा हिस्सा निहार और रुचिता का है। ये सब क्या है वकील साहब? जैसा आपने कहा था मैंने वैसी वसीयत बना दी है। वसीयत का बंटवारा हो या ना हो, लेकिन आज इस घर का बंटवारा होकर रहेगा। आप लोगों को मुझसे और रुचिता से प्रॉब्लम है ना, तो बेहतर यही होगा कि मैं और रुचिता ही ये घर छोड़कर चले जाएं। रुचिता चलो। यार, ये तू क्या कर रहा है बेटा? नरेश आएगा तो बहुत नाराज होगा। रुक जा बेटा, रुक जा। निहार, निहार। ये तो चाल ही उल्टी पड़ गई। अगर ये लोग चले गए तो मेरे अगले वार का इल्जाम मैं किस पर डालूंगी? और इनकी महानता देखकर इन सब का दिल पिघल गया तो? नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो रुचिता। निहार जी, एक सेकंड। खाटू जी, मैं निहार जी के साथ वनवास पर भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुझे बस इस बात का डर है कि हमारे जाने के बाद भी इस घर में सुख शांति नहीं होगी, कि कोई तो है जो जो इस घर को तोड़ना चाहता है, रिश्तों को अलग करना चाहता है। खाटू श्याम जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए कि मैं इस घर के दुश्मन को पहचान सकूं, उससे अपने परिवार को बचा सकूं, मेरे परिवार को मेरी और मुझे उनकी बहुत जरूरत है, अभी बहुत जरूरत। रुचिता, तुम चल रही हो कि नहीं? भगवान, प्लीज प्लीज हमें रोक लीजिए इस घर से जाने से, ताकि मैं अपने परिवार को बचा सकूं।
ये सब क्या है प्रीति? मां, इतने सालों बाद मुझे मेरा परिवार मिला। मां, पापा, दोनों भाई, भाभी और दादी, मैं इन लोगों को अलग नहीं होने दूंगी। अगर आप दोनों को साथ नहीं रहना तो मत रहिए, हम घर का बंटवारा कर देते हैं। प्रीति, लेकिन ये सब आप अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते भैया। हाँ निहार, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों के अलग होने से तो अच्छा है ना कि घर अलग हो जाए। के बीच दीवार ही सही, लेकिन कम से कम हमें छत के नीचे तो है। मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू खाटू जी। अब देखिएगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगी मगर इस दीवार को तोड़कर दोनों भाइयों के बीच की दरार भर कर रहूंगी। इन रिश्तों में आए दरार को जोड़ के रहूंगी मैं।